हर हर महादेव, ओम काली। तो प्रिय भगतजनों, सभी भगतजनों को नवरात्र की शुभकामनाएं। भगवान शिव और माँ काली आप सभी के जीवन में खुशियाँ लाए, एक नयापन लाए, और जो भी नकारात्मक चीज़ें आपके जीवन में हैं उन चीज़ों को आपके जीवन से दूर करें, आपके ऊपर कृपा बनाए रखें। तो आज के वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं, कुछ शंकाएं हैं नवरात्र के संबंध में, कुछ सवाल हैं जो हमारे पास आए हैं, तो हम उनका लाइव के माध्यम से निवारण करने वाले हैं। तो सबसे पहला सवाल यह है कि 9 दिन का नवरात्रे होते हैं, जिसको आप बड़े अच्छे से करते हैं, आप कलश स्थापित करते हैं, आप रोजाना भोग देते हैं, तरह तरह का आप दीपक जलाते हैं, फूलों से माता को सजाते हैं, लेकिन फिर भी कई भगत जनों का प्रश्न होता है कि हमें कोई अनुभव नहीं होता माता काली का। जो है, हमें कोई भी अनुभव नहीं होता, कोई माता काली की आराधना करता है या माता दुर्गा की आराधना करता है, तो उन भगत जनों का प्रश्न था कि हमें कोई अनुभव नहीं होता कि जिससे पता चले कि माता हमसे खुश है कि नाराज है। तो इसके लिए आपको मैं बता देना चाहता हूँ, यदि आपको कोई भी अनुभव नहीं हो रहा है, आपको स्वपन के माध्यम से अनुभव नहीं हो रहा है, आपको प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष किसी भी तरह से यदि आपको कोई अनुभव नहीं हो रहा है, तो आपको क्या करना चाहिए? आपको करना चाहिए, आपको एक पान का पत्ता लाना है, साबुत पान का पत्ता होना चाहिए, टूटा फूटा कटा फटा नहीं होना चाहिए। उस पान के पत्ते को आप घर में लेके आइए और आप रोली को हथेली पर डालिए और उसमें घी मिलाकर तिलक तैयार कीजिए, और उस पान के पत्ते पर क्रीम आपको लिखना है। क्रीम काली का बीज मंत्र है, जो बहुत ही शक्तिशाली मंत्र है, बीज मंत्र है जो माता काली का। तो आपको पत्ते पर एक बड़ा सा क्रीम लिख लेना है। उसको लिख लेने के बाद आपको करना क्या है, आपको उस पत्ते के ऊपर 11 इलायची रखनी है, दो आपको 11 लौंग रखनी है, दो इलायची आपको उस पे रख लेनी है, एक बतासा आपको रखना है, और इसके अलावा एक जायफल आपको उस पत्ते के ऊपर रख लेना है। अब उस पत्ते को आपको करना क्या है, आपको कपूर जला के भोग देना है, या फिर आप गाय के उपले का जो है, उपला होता है जो गाय के गोबर से बनता है, उपला भी कहते हैं, कई जगह कंडा भी उसको कहा जाता है, उसके द्वारा आप उसको जलाकर आप उसमें इस सामग्री का भोग लगा सकते हैं, और माता काली से प्रार्थना कीजिए कि हे माँ काली, मुझे अपना अनुभव दे, अपना संकेत दे, अपना साक्षात्कार दे। इस तरह से आप प्रार्थना कीजिए। आपको शाम के समय यह प्रयोग करना है, और रात को माँ काली का क्रीम मंत्र का जाप करके आपको अपने चेहरे पर इस तरह से हाथ फेरने हैं और फिर सो जाना है। तो यकीनन आपको उसी रात माँ काली दर्शन देंगी, या आपको कोई ना कोई संकेत अवश्य मिल जाएगा। तो अब अगला प्रश्न है, कई भगत जनों का प्रश्न यह भी था कि हमने जो कलश स्थापित किए हैं उससे पानी निकल रहा है, नीचे जो चौकी है, बाजोट है और कपड़ा बिछा हुआ है, वो सब गीला हो रहा है, तो क्या यह है एक गलत संकेत है, माता की नाराजगी का संकेत है? तो ऐसा मैं प्रश्न के बारे में मैं कहना चाहता हूँ, यह सब आपकी गलत फहमियाँ हैं। आपका जो कलश है वो मिट्टी का कलश है, उसकी क्वालिटी आपने कम लाए हैं, आप सस्ता ले आए हैं, जिस वजह से उससे पानी रिस रहा है। यह कोई अलग संकेत नहीं है। आप अगली बार अच्छा कलश लेके आना, मजबूत सा कलश लेके आना, फिर पानी की रिसावट की आपको समस्या नहीं आएगी। एक भगत जन का कहना था कि मेरे हाथ से कलश गिर के टूट गया, तो क्या माता मुझसे नाराज हैं? तो उससे भी मैं कहना चाहता हूँ कि आप बेफिक्र रहे, माता जो है वो ममतामयी है, वो किसी से नाराज नहीं होती, खासकर उनसे तो नाराज होती नहीं है कि जो इनकी सेवा करते हैं, नवरात्र पर इनका पूजन, इनका जाप करते हैं, इनको भोग देते हैं, तो आपसे भला माता क्यों अप्रसन्न होंगी? तो इसलिए जो आपका कलश आपसे गिरा है, वह आप एक इंसानी गलती समझकर उसको माता से क्षमा मांगिए और नया कलश आप स्थापित कर सकते हैं। एक भगत जन ने पूछा था कि जब मैं भोग देता हूँ तो मेरी लौंग जो है चटक के ऊपर निकल जाती हैं और पूरा भोग जलता नहीं है, तो यह भी कोई गलत संकेत नहीं है। ऐसा हो जाता है, कई बार हो जाता है कि आपका पूरा भोग जो है वह जलता नहीं है, और आपको ऐसा लगता है कि देवता आपसे अप्रसन्न हो गए हैं, नाराज हो गए हैं। इसके अलावा जो है एक प्रश्न और था, जिसमें एक अन्य भगत जन ने पूछा है कि माता काली जो है क्या वह क्रोध की देवी है? तो
क्रोध की देवी हैं। माता काली का जो रूप है बड़ा ही प्रचंड है, यह मैं बता देना चाहता हूँ, लेकिन वह राक्षसों के लिए प्रचंड है, आपके लिए नहीं। अपने भक्तों के लिए उनके अंदर एक माता का दिल है जो कि अपने भक्तों को बड़ा प्रेम करता है, बड़ी ही ममता में ही आपको सेवा आपकी प्रसन्न होता है आपकी सेवा से। इसलिए जब भी आप माता काली की उपासना करने की सोचें, या आप नहीं करते हैं या करने की सोच रहे हैं, या किसी को देखकर आप माता काली की आराधना करना चाहते हैं, तो जो भी तस्वीर आप घर में लाए वह मुस्कुराती हुई तस्वीर आपको लेकर आनी है। ऐसा विकराल रूप नहीं होना चाहता, जैसे कि आजकल के जगरातों में पैसे के लिए लोगों ने माँ काली के रूप को ही बिगाड़ कर रख दिया है। पूरा खून से लथपथ ऐसा दिखाते हैं जैसे कि वह एक चुड़ैल है, एक डायन है, जबकि ऐसा नहीं है। माँ काली का रूप बहुत ही सौम्य है, वह अपने भक्तों पर कृपा करने वाली है और उनके संकटों का नाश कर देने वाली है। वह आपके दुश्मनों का नाश करती है, जबकि आपके ऊपर पूर्ण श्रद्धा और पूर्ण कृपा बरसाए रखती है। तो यह कुछ प्रश्न थे जो आज मैं आपको बताए। तो आज के लिए इतना ही। हर हर महादेव। ओम काली।